डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फोर का इंग्लिश बुक है, चैप्टर 12 है और इस चैप्टर का नाम है द स्टोन गुरु। और ये स्टोरी जो है प्ले के रूप में दिया हुआ है, नाटक के रूप में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है सीन वन। तो सीन वन में क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है गुरु द्रोणाचार्य इज टीचिंग अर्चरी टू पांडवाज एंड कौरवाज। एकलव्य इंटर्स द सीन। तो फर्स्ट सीन में जो है यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को, जिसमें पांडव और कौरव को, वे अर्चरी सिखाते हैं, धनु विद्या सिखाते हैं, धनुष चलाना सिखाते हैं। एकलव्य वहां पे इंटर करता है, फर्स्ट सीन में वहां पे आता है और फिर क्या बोल रहा है एकलव्य, यहाँ बोल रहा है नमस्ते गुरुदेव। तो नमस्ते करता है, उसके बाद गुरुदेव जो है, गुरु क्या बोल रहे हैं, नमस्ते कम नियर यंग मैन। तो वो भी जवाब देते हैं कि नमस्ते, यहाँ पे आओ युवक। एकलव्य फिर बोलता है थैंक यू, धन्यवाद। और आगे गुरुदेव बोल रहे हैं हु आर यू, तुम कौन हो। एकलव्य जवाब दे रहा है आई एम एकलव्य, मैं एकलव्य हूं। फिर गुरु बोल रहे हैं कि एकलव्य वेरी गुड, एकलव्य तुम हो कि बहुत अच्छा। एकलव्य फिर क्या बोल रहा है, आई वॉन्टेड टू सी यू गुरुदेव, कि गुरुदेव मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। गुरु क्या बोल रहे हैं, वेयर डू यू लिव इन, तुम कहां रहते हो। एकलव्य क्या जवाब दे रहा है, आई लिव इन द फॉरेस्ट नियर बाय, कि मैं सामने यहां जंगल में ही रहता हूं। आई नो यू आर द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ अर्चरी, मुझे पता है कि आप धनुर्विद्या के बहुत ही महान विद्वान हैं, सबसे अधिक विद्वान हैं। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, थैंक्स, कि धन्यवाद। व्हाई हैव यू कम हियर, कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। व्हाट डू यू वांट, तुम चाहते क्या। एकलव्य जवाब दे रहा है, आई वांट टू बी द ग्रेटेस्ट अर्चर ऑफ दिस वर्ल्ड, कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर बनना चाहता हूँ, सबसे महान धनुर्धर बनना चाहता हूँ। इट इज पॉसिबल ओनली इन योर गाइडेंस, ये संभव सिर्फ आपके मार्गदर्शन से हो सकता है गुरुदेव। तो गुरुदेव जो है वो क्या आगे बोल रहे हैं, दिस इज द प्रपोज ऑफ योर कमिंग हियर, कि तुम्हारे आने का यह उद्देश्य है। एकलव्य क्या बोल रहा है, यस गुरुदेव, गुरुदेव जी गुरुदेव, आई वॉन्ट टू बी योर डिसिपल, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गिव मी ब्लेसिंग, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मतलब मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। फिर गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी भला करेगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट अर्चरी, क्या तुम धनुर्विद्या के बारे में कुछ जानते हो। फिर एकलव्य क्या जवाब दे रहा है, वाई नॉट, क्यों नहीं। इफ यू गिव मी परमिशन, अगर आप मुझे आज्ञा दें, आई विल शो यू माई परफॉर्मेंस, तो फिर मैं अपना प्रदर्शन आपको दिखा सकता हूँ, आपको दिखाऊंगा। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, कैन यू हिट दैट टारगेट, क्या तुम उस टारगेट पे, उस चीज पे निशान लगा सकते हो। कुछ दिखाने के बाद जो है उनको, उसको बोला गया कि इस चीज पे निशान लगा के दिखाओ। एकलव्य क्या बोलता है, ऑफ कोर्स, जरूर लगा सकता हूँ। टेकिंग द एम, उसने अपना एम लिया, सुधारा, जय गुरुदेव, और जय गुरुदेव बोल के वो अपना धनुष तीर चला देता है। गुरु क्या बोल रहे हैं, बेवो, कि बहुत ही अच्छा, वेल डन, शाबाश, रियली यू आर ए गुड अर्चर, वाकई में तुम बहुत ही अच्छा धनुर्धर हो। यू हिट द टारगेट एट योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तुमने, तुमको जिस टारगेट को, लक्ष्य को भेदने के लिए कहा गया, वो तुमने पहली बार में ही सफलतापूर्वक लक्ष्य भेद दिया। एकलव्य क्या बोल रहा है, विल यू टीच मी, क्या अब आप मुझे सिखाएंगे। गुरुदेव क्या बोल रहा है, यस आई विल टीच यू, बट देयर इज ए कंडीशन फॉर इट, कि हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। एकलव्य क्या कह रहा है, कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, कि शर्त, क्या शर्त है। गुरुदेव आगे बोल रहे हैं, आई टीच ओनली द रॉयल प्रिंसेस, बट आई डोंट नो अबाउट यू एट ऑल, कि मैं सिर्फ रॉयल प्रिंसेस, मतलब राजकुमारों को ही सिखाता हूँ, और मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी जानता नहीं। एकलव्य क्या बोल रहा है, आई एम ए लवली ट्रिबल, मैं निचले वर्ग का वनवासी हूँ। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, ओ देन आई कैन डू नथिंग फॉर यू, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। यू शुड सर्च अनदर गुरु, तुम्हें दूसरा गुरु खोज लेना चाहिए। एकलव्य क्या बोल रहा है, नो प्रॉब्लम गुरुदेव, कि कोई बात नहीं है गुरुदेव। Whether you accept me or disciple or not, चाहे आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें या ना करें, you will always remain my guru, आप हमेशा ही मेरे गुरु ही रहेंगे। अब यहाँ पे सीन टू स्टार्ट हो रहा है इस प्ले का, उस प्ले में फर्स्ट सीन में जो है वहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ सेकेंड सीन, गुरु इज बिजी इन टीचिंग प्रिंसेस, गुरुदेव जो है वो अपने प्रिंसेस राजकुमारों को सिखाने में व्यस्त हैं। ए डॉग कम्स देयर रनिंग विथ इट्स माउथ फुल ऑफ एरो, वहाँ पे एक कुत्ता दौड़ते हुए आता है जिसका मुंह बाणों से भरा हुआ है। वहाँ पे अर्जुन उसको देखता है और क्या बोल रहा है, व्हाट ए वंडरफुल शॉट, ये आश्चर्यजनक शॉट कैसा है।
तो गुरुदेव क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्योंकि गुरुदेव उसको नहीं देखे थे इसीलिए बोलते कि क्या हुआ, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। फिर अर्जुन क्या बोल रहा है, सी गुरुदेव, कि गुरुदेव देखिए, दैट्स डॉग माउथ इज फुल ऑफ एरोज एंड देयर इज नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, कि वो देखिए उस कुत्ते का मुंह जो है बाणों से भरा हुआ है लेकिन कोई भी ब्लड का ड्रॉप, कोई भी ब्लड का बूंद जो है उसके मुंह से नहीं गिर रहा। फिर गुरुदेव देखते हैं और क्या बोल रहे हैं, अमेजिंग, हु हैज डन इट, कि ये तो आश्चर्यजनक है, ऐसा किसने किया। अर्जुन क्या बोल रहा है, आई डोंट नो बट ही मस्ट बी ए ग्रेट आर्चर, मुझे तो पता नहीं लेकिन जो कोई भी है वो बहुत ही महान आर्चर, महान धनुर्धर होगा। आई हैव नेवर, कि मैंने अभी तक इस तरह का शॉट मारते हुए, तीर चलाते हुए किसी को नहीं देखा, इस तरह से अर्जुन बतलाता है। सीन सच ए वंडरफुल शॉट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में इस तरह का तीर चलाते हुए किसी को आज तक नहीं देखा। आई कॉन्ट अंडरस्टैंड हाउ इट इज पॉसिबल, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह किस तरह से संभव हो सकता। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, यस यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो अर्जुन, इट इज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेट पैशंस एंड रेगुलर प्रैक्टिस, ऐसा सिर्फ महान धैर्य और लगातार अभ्यास से ही ऐसा संभव हो सकता है। ही मस्ट हैव द परफेक्ट कंट्रोल ओवर हिज बो एंड एरो, निश्चित रूप से वो अपने तीर धनुष पे बिल्कुल कंट्रोल पा लिया होगा तभी वो ऐसा कर सकता है। अर्जुन क्या बोल रहा है, हु इज दैट पर्सन गुरुदेव, कि वो व्यक्ति कौन होगा गुरुदेव, कौन है। गुरुदेव क्या बोल रहा है, ही मस्ट बी नियर बाय, लेट्स सर्च हिम, कि निश्चित रूप से वो आमने सामने ही है, चलो उसको खोज लेते हैं। ऑल सेट आउट एंड रीच दैट पार्ट ऑफ जंगल वेयर एकलव्य इज प्रैक्टिसिंग, सभी लोग उस जंगल की ओर चले जाते हैं जहां पे एकलव्य जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है तीर धनुष चलाने का। देयर इज ए स्टोन स्टेचू ऑफ गुरु द्रोणाचार्य देयर, और वहां पे एक पत्थर का मूर्ति बना हुआ है गुरु द्रोणाचार्य का। अब एकलव्य गुरुदेव को देखता है और क्या बोल रहा है, वेलकम गुरुदेव, कि गुरुदेव आपका स्वागत है। तो गुरु बोल रहे हैं, थैंक्स, धन्यवाद, यू आर एकलव्य, कि तुम एकलव्य हो, वंस यू हैड कम टू मी, एक बार तुम मेरे पास आए थे। एकलव्य क्या बोल रहा है, यस गुरुदेव, कि जी हाँ गुरुदेव, आप सही पहचान रहे हैं। फिर गुरु क्या बोल रहे हैं, यू हैव शॉट द एरोज इन द डॉग्स माउथ, तुमने कुत्ते के मुंह में तीर मारा है। एकलव्य क्या बोल रहा है, यस गुरुदेव, इट वॉज डिस्टर्बिंग मी इन माई प्रैक्टिस, कि जी गुरुदेव, ये मुझे प्रैक्टिस करने में डिस्टर्ब कर रहा था इसीलिए मैंने ऐसा किया। फिर गुरु क्या बोल रहा है, हाउ डिड यू लर्न आर्चरी, कि तुमने धनुर्विद्या कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। एकलव्य क्या बोल रहा है, इट्स ऑल योर ग्रेस गुरुदेव, ये तो बस आप ही की कृपा है गुरुदेव। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, माई ग्रेस, मेरी कृपा, आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं कुछ समझा नहीं, हु इज योर टीचर, तुम्हारा टीचर कौन है। एकलव्य क्या जवाब दे रहा है, यू आर माई टीचर, आप ही तो मेरे टीचर हैं। गुरु फिर क्या बोल रहा है, आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारा टीचर, वॉट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, आई हैड रिफ्यूज टू टीच यू, मैंने तो तुम्हें सिखाने से इनकार कर दिया था। अब एकलव्य यहाँ पे दिखाते हुए, यहाँ पे पॉइंटिंग टूवर्ड्स द स्टेचू, वो स्टेचू को दिखाते हुए कहता है, प्लीज लुक एट द स्टेचू, कि आप कृपया करके उस मूर्ति को देखिए, यू आर प्रेजेंट हियर, आप यहाँ पे उपस्थित हैं। आई शॉट एनी एरो आफ्टर टेकिंग योर परमिशन एंड गाइडलाइन, मैंने जितने भी तीर चलाए हैं आपके आज्ञा और आपके मार्गदर्शन में चलाए हैं। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, आई ब्लेस यू माई सन, और गुरुदेव उसको आशीर्वाद देते हैं। फिर आगे क्या है, आगे एकलव्य कह रहा है, इट्स माई प्लेजर, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, यू विजिटेड माई कॉटेज, इट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, आप मेरे कुटिया में पधारे, ये मेरे जीवन का बहुत ही खुशी भरा क्षण है। वट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ गुरुदेव। तो गुरु क्या जवाब दे रहे हैं, यू हैव एक्सेप्टेड मी योर गुरुदेव, तुमने मुझे अपना गुरुदेव स्वीकार किया है। एकलव्य बोल रहा है, यस, कि हाँ मैंने तो आपको गुरुदेव स्वीकार किया है। यू विल हैव टू पास इन माई टेस्ट, तुम्हें मेरे टेस्ट में पास होना होगा, पास करना होगा। एकलव्य क्या जवाब दे रहा है, वट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। आई सेल्फ फुलफिल इट एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी स्थिति में आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। गुरु क्या बोल रहे हैं, आई वॉन्ट माई गुरु दक्षिणा, आर यू रेडी फॉर इट, मैं अपना गुरु दक्षिणा चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। एकलव्य क्या जवाब दे रहा है, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई कैन सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर यू, मैं आपके लिए अपने जीवन का बलिदान दे सकता हूँ।
तो गुरु क्या बोल रहे हैं, नो 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 नीड टू सैक्रिफाइस योर लाइफ, नहीं नहीं तुम्हारा तुम्हें अपने जीवन को बलिदान देने की जरूरत नहीं है। आई वांट ओनली योर राइट थंब एज माई दक्षिणा, मैं सिर्फ अपने गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहता हूँ। यहाँ पे एक्लेट क्या करता है, कटिंग हिज थंब विथ एरो, और एरो से अपने अंगूठे को, राइट हैंड के अंगूठे को एरो से मतलब तीर से काटता है और कहता है आई ऑफर माई थंब एट योर फीट गुरुदेव, कि मैं आपके चरणों में अपने अंगूठे को अर्पित करता हूँ। और फिर द कर्टेन फॉल्स, और फिर पर्दा गिरता है और यहाँ पे यह स्टोरी समाप्त हो जाता है। तो इसके साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिया हुआ है जिसमें कि इंग्लिश वर्ड का है, इंग्लिश मीनिंग ही बतलाया हुआ रहता है, आप इसको जरूर एक बार याद करें। और इसके आगे क्या दिया हुआ है, ये है इस चैप्टर का क्वेश्चंस। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है और यहाँ पे 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, राइट हु सेड टू हुम, मतलब किसने किससे कहा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है यू आर द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ आर्चरी, आप धनुर्विद्या के सबसे महान शिक्षक हैं। तो किसने कहा था, एकलव्य ने कहा था गुरुदेव से, गुरु द्रोणाचार्य से। और यहाँ पे टीच, आई टीच ओनली द रॉयल प्रिंसेस, तो ये बात किसने कहा था, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा था। दैट डॉग्स माउथ इज फुल ऑफ एरोज, उस कुत्ते का मुंह बाण से भरा हुआ है, तो ये बात अर्जुन ने कहा था। तो यहाँ पे अर्जुन हो जाएगा और यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य से कहा था। उसके बाद आई शॉट एनी एरो आफ्टर टेकिंग योर परमिशन, कि मैंने आपके मार्गदर्शन पर, आपके आज्ञा पर ही कोई भी शॉट, कोई भी तीर चलाया है। तो ये बात किसने कहा था, एकलव्य ने कहा था और गुरु द्रोणाचार्य से कहा था। आई वॉन्ट माई गुरु दक्षिणा, तो ये बात किसने कहा था कि मैं अपना गुरु दक्षिणा चाहता हूँ, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा था। इस तरह से यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा, तो आंसर आप लोगों को स्क्रीन पे मिलता जाएगा। और यहाँ पे फील इन द ब्लैंक्स, यहाँ ग्रामर का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिच हैव मच वेल्थ, तो यहाँ पे जो चीज़ें हम गिन सकते हैं उसके लिए मेनी लगाया जाता है, और जो चीज़ें हम गिन नहीं सकते हैं वेल्थ के लिए मच लगाया जाता है, पैसों के लिए मच लगाया जाता है। सी हैज रीड मेनी बुक्स, तो बुक्स को हम गिन सकते हैं इसलिए यहाँ पे मेनी लगाया गया है। प्रिया हैज नो और एनी है, तो यहाँ पे नो वाटर होगा, पानी को हम गिन नहीं सकते हैं। हिज हेल्थ इज वेरी गुड, यहाँ पे वेरी लगेगा। और इसके आगे क्या है, ई नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है डेथ सन्स आर नॉटी, तो यहाँ पे हो जाएगा योर सन्स आर नॉटी, ही हैज ए लिटिल राइस, लिटिल हो गया यहाँ पे, लिटिल मतलब कम होता है और फ्यू मतलब काउंटेबल जो होता है उसके लिए फ्यू लगाया जाता है, कुछ। उसके बाद हिमांशु वांट्स टू बाय सम बुक्स, तो यहाँ पे सम ऑल, तो सम ही होगा, कुछ किताबें खरीदना चाहता है। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, एनी स्टूडेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे सम ही होगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको सजाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ए से ए है तो ये सबसे पहले हो जाएगा, और बी से बैट है तो ये के बाद बी आता है, इसलिए ये वाला उसके बाद हो जाएगा, एप्पल के बाद हो जाएगा। उसके बाद सी तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि पी से आएगा, पेंसिल हो जाएगा, उसके बाद ट्री हो जाएगा, उसके बाद जबरा होगा, इस तरह से सजाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैं आंसर आप लोगों को दे रहा हूँ, आप स्क्रीन से देखकर लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है जिसका उच्चारण जो है के से, क से बोल सकते हैं, और एक उच्चारण जो है एस से, स से लिख लेगा। जैसे कि कैटल, इसमें सी लगा हुआ है लेकिन के का उच्चारण आ रहा है, कैटल, कैच, कस्टम, कुक, तो इसमें सारा जो है के का उच्चारण आ रहा है, कुछ जो है एस का उच्चारण आएगा, जैसे कि साइकिल, सेंटर, सेल, इस तरह का वर्ड जो है। तो दो तरह का यहाँ पे वर्ड दिया गया है, फर्स्ट में जो है आप लोगों को कलर के साउंड वर्ड विथ ग्रीन, तो जो के वर्ड जो है उसको ग्रीन कलर से कलर कर देना है उस घर को, और जो एस साउंड वर्ड है उसको रेड कलर से कलर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में मैक सेंटेंस फॉर गिवन वर्ड्स, इस सारे वर्ड्स जो दिए हुए हैं उसका सेंटेंस बनाना है, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे सेंटेंस बनाकर दे देता हूँ। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर, इसका मेन क्वेश्चन आंसर है, उसको हम सॉल्व करते हैं। यह है इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन आंसर, हु कैम टू सी द्रोणाचार्य, एकलव्य कैम टू सी गुरु द्रोणाचार्य। व्हाट वाज द प्रपोज ऑफ एकलव्य, द प्रपोज ऑफ एकलव्य वाज दैट ही वांटेड टू बी द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ दिस वर्ल्ड। व्हाट वाज फुल ऑफ एरोज, द डॉग्स माउथ इज फुल ऑफ एरोज। व्हाई डिड द्रोणाचार्य नॉट टीच एकलव्य,
So he did not teach Eklavya. What did Eklavya give as Guru Dakshina? Eklavya gave his right thumb as Guru Dakshina. तो यहां पे यह चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।